हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको बहुत इजी तरीके से वैलेंटाइन डे का कार्ड बनाना सिखाऊंगी। और फोल्ड करना है तो आप इक्वली 3 6 6 6 इंचेस के डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद इसको फोल्ड करना शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले हमने इसको फोल्ड किया तो ये इस तरीके से रहेगा। इसको एक एक 3 इंचेस का फोल्ड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक हार्ट शेप बनाना है। तो मैंने यहाँ पे हार्ट इस तरीके से, देखिए मैंने हार्ट शेप ड्रॉ कर लिया है। आप भी इसमें इजीली हार्ट शेप ड्रॉ कर लीजिए। ये एक हार्ट शेप हो गया। और अब हमें क्या करना है, जो एक्सिस पेपर है उसको कट करना है। तो उसके लिए हमें सीजर्स चाहिए और हम इसको कट कर लेंगे। और इसको बहुत ही आराम से कट करें आप इस फोल्ड को खोल के। तो फ्रेंड्स, अब देखिए कि एक साइड का हाफ जो हार्ट है वो हमने कट कर लिया। सेम प्रोसीजर हम यहाँ भी करेंगे, इस वाले हार्ट का भी कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए अभी मेरा हार्ट कट आउट ये रेडी हो गया है कार्ड। और अब हम क्या करेंगे, अब हमें इसको ना हार्ट शेप, इतनी ही शेप का मैंने यहाँ पे ईवर शीट ली है। अगर आपके पास ईवर शीट नहीं है तो आप सिंपल रेड कलर का पेपर ले लीजिए। मेरे पास ईवर शीट अवेलेबल है तो मैं ईवर शीट से इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। अब बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम होता है कि हम सेम हार्ट शेप कैसे ड्रॉ करें, कुछ ऊंचा नीचा हो जाता है, कभी कुछ छोटा बड़ा हो जाता है। तो मैं उसके लिए बहुत ही, आपने जो ये कटआउट्स निकाले हैं ना पेपर के, आपको सिंपल इनका यूज करना है। आप इनको ही रख लीजिए जो ये कटआउट्स हैं। तो मैं ये कटआउट्स यहाँ रख रही हूँ और इन्हीं से हार्ट शेप ड्रॉ कर रही हूँ। इस हार्ट शेप से आप जो कुछ ड्रॉ करेंगे ना, वो वही सेम शेप आएगा जो हमने कार्ड में ड्रॉ किया है। सो फ्रेंड्स, ये ट्रेस कर लिया है मैंने इन कटआउट्स की हेल्प से। अभी ये बिल्कुल सेम ही शेप लगने वाला है। तो अब हम इसको कट कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हार्ट कटआउट अभी रेडी हो गया है। अगर आपके पास ईवर शीट नहीं है तो बिल्कुल परेशान ना होइए, आप रेड कलर यूज कर लीजिए इसके लिए सिंपल। अगर आपके पास रेड पेपर भी नहीं है तो आप व्हाइट कलर का पेपर लीजिए और उसको रेड कलर कर लीजिए। अभी देखिए, देखिए ये सेम मेरा आया है ना, मैंने आपको बोला था। अभी हमें क्या करना है, इसको हाफ कट कर लेना है। तो हम इसको हाफ कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर लिया है और अब मैं इसको कट कर रही हूँ। देखिए दो पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा हार्ट और अब हम इसको यहाँ पे स्टिक कर देंगे। ये हो गया वन पार्ट और ये हो गया सेकेंड पार्ट। और देखिए जो मैंने आपको ये ट्रिक बताया ना हार्ट ट्रेस करने का, इससे आपकी जो शेप है बिल्कुल भी ऊंची नीचे आगे पीछे नहीं जाएगी और एकदम सेम वही शेप बन के आएगी जो आपने हार्ट के लिए बनाया था। आप चाहते थे कि वो उस तरीके का बन जाए। तो अब हमें ग्लू लेना है और इसको ईवर शीट को अच्छे से यहाँ पे स्टिक कर देना है। ईवर शीट थोड़ा थिक होता है तो उसके लिए अच्छे से आप फेविकोल लगा लें। ऐसे ही यहाँ पे दूसरी साइड का भी लेना है हमको। और तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा ऐसे हार्ट रेडी हो गया। अभी पीछे व्हाइट कलर है, अगर आप चाहें तो इसको व्हाइट रख सकते हैं, पर मैं यहाँ इसको हाईलाइट करने के लिए रेड कलर के हार्ट को मैं ब्लैक पेपर का यूज करूंगी। तो आपको मेजरमेंट पता ही है, इसका मेजरमेंट जो था हमने लिया था 10 इंचेस बाई 6 इंचेस था, तो ये 3 इंचेस का हो गया। तो 3 इंच बाई 10 इंचेस के हमें दो पार्ट कट करने हैं ब्लैक कलर के पेपर के, तो वो हम कट कर लेते हैं। वापस से ये जोड़ दिया अपने, ये ब्लैक कलर का जो पेपर है मैंने इसको कट कर लिया था, जो मैंने आपको साइज बताया था उसके हिसाब से। और अब हम इसको स्टिक कर देंगे दोनों साइड में। सो फ्रेंड्स, अभी देखिए ये हमारा इस तरीके से ये हार्ट रेडी है, इसके अंदर का ये रेडी है। अब आप इसमें ब्लैक पे कुछ भी सिल्वर मार्कर से लिख सकते हैं। और अब इसका जो अंदर है ये, यहाँ पर मैं एक रेड कलर का पेपर पेस्ट करने वाली हूँ जिसपे आप अपना कोई भी मैसेज कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, ये 6x10 का है, तो हम 6x10 का एक रेड कलर का पेपर कट करेंगे और उससे थोड़ा सा छोटा टच करेंगे जिससे कि हमारी व्हाइट बॉर्डर भी अच्छे से विजिबल हो। और फ्रेंड्स, देखिए अभी मैंने रेड कलर पे ये पेपर पे मार्किंग कर लिया और अब मैं इसको कट कर रही हूँ।
और आपको इस कार्ड को बनाने का बस ध्यान रखना है कि आपको साइज में बहुत ही प्रिसाइज होना है। अगर ये थोड़ा सा भी इधर उधर होगा ना तो आपको फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो मैं प्रिफर करूंगी कि आप स्केल से प्रॉपर एक मेजरमेंट लेके चलें और उसके बाद ही इसको कट करें, उससे आपके बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए कार्ड का। और हम इसको स्टिक कर रहे हैं फेविकोल से। फेविकोल थोड़ा अच्छे से लगाइए जिससे ये आराम से चिपका रहे। हमारे कार्ड ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है तो ये मैंने इस पे स्टिक कर दिया। अब ये देखिए ये मेरा कार्ड ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। और इसको इस तरीके से जब आप खोलेंगे तो आप अपना कुछ मैसेज यहाँ लिख सकते हैं, आप मैसेज यहाँ भी लिख सकते हैं ये दोनों साइड पे, और आप अपना मैसेज यहाँ भी लिख सकते हैं। तो इट्स लाइक आप इसको बहुत सारे मैसेजेस आप लिख सकते हैं इसके अंदर। और इसको अब हम क्या करेंगे, अब ये जो है ये ऐसे खुला हुआ लग रहा है ना, तो अब मैं इस पे एक रिबन टाई कर देती हूँ। और मैं जो ये हार्ट है ना, इसको आप जो चाहे डेकोरेट कर लें, इसमें आप अपना फोटो, आपको जिसको देना है आप यहाँ उसका फोटो डेकोरेट कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ पर्ल्स हैं, मैं इससे ये हार्ट डेकोरेट करके दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये बहुत ही इजी होते हैं, ये स्टिकर्स होते हैं पर्ल्स वाले, ये आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होते हैं। तो ये जो कार्ड है इसमें आपको बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली होने वाला है आपके लिए, और इसको बहुत ही इजीली बहुत कम इफर्ट से आप बना सकते हो। आप देख सकते हो कितना इजीली मैंने इसको बनाया है आप लोग के साथ ही। फ्रेंड्स देखिए ये एक साइड का रेडी हो गया है, ऐसे ही हम इसको दूसरी साइड को भी डेकोरेट कर रहे हैं। फ्रेंड्स ये कार्ड जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब देखिए बस यहाँ पे मैं ये एक एक दो दो पर्ल्स और चिपका दूंगी जिससे ये एकदम कंप्लीट हो जाएगा। और ये बहुत इजी और बजट फ्रेंडली कार्ड है आप लोग के लिए, और दिखने में ये इतना अच्छा लुक देता है ना कि आप मार्केट, आपके पास कोई रिबन है रेड कलर का, मेरे पास साटिन रिबन है, आप लोग के पास भी इजीली होंगी, तो अब उससे हम इसको टाई कर देंगे। मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ। सो फ्रेंड्स देखिए ये मैंने ना सिंपल साटन रिबन है रेड कलर का, बहुत इजी अवेलेबल है, आपके घर पर भी पड़ा ही रहता है। तो अब इससे हम इसको टाई कर देंगे तो ये एक एक्स्ट्रा इफेक्ट देगा। और इसमें बहुत सारे रिबन्स अवेलेबल होते हैं जिसपे कुछ पोल्का डॉट्स, लव या कुछ भी लिखा होता है। मैं सिंपल ले रही हूँ, अगर आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट डालने हैं आप सिंपल एक्रेलिक कलर्स लीजिए और लव लिख दीजिए इस पे, और ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देगा आपको। मैं सिंपल से इसको आपको टाई कर रही हूँ। तो ये हमने प्रॉपर हमें इसको हार्ट को अरेंज कर देना है, उसके बाद हमें इसको इस तरीके से टाई कर। फ्रेंड्स देखिए अभी ये मेरा कार्ड विद बो ये रेडी हो गया है। और अब आप इसको अपने घर पे जरूर बनाइए, अपने लव्ड वंस को दीजिए। आप कोई भी चीज़ जब आप खुद से बना के देते हैं दैट इज मोर प्रीशियस फॉर योर लव्ड वंस देन मार्केट बॉट थिंग्स। सो मैं यही एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा, आप इसको यूज करेंगे बहुत अच्छे से, और आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपने बनाया और आपने जिसको भी गिफ्ट किया उसको कैसा लगा। थैंक यू फ्रेंड्स, और ऐसे और बहुत सारे एक्साइटिंग वैलेंटाइन डे स्पेशल वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।